नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पीटीटी थर्ड काउंसलिंग है उसके बारे में, जो सूचनाएं हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आप खुद ही इस पे आके देख सकते हो। आज उसका जो पेपर में तो उसकी न्यूज़ आ गई थी कि थर्ड काउंसलिंग का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, इसलिए थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थर्ड काउंसलिंग है जो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर न्यूज़पेपर में आने से कुछ नहीं होता, ऑफिशियल साइट पे आएगा तभी ये माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वो ये ऑफिशियल साइट पे भी आ गया है। दोस्तों, आप ये ऑफिशियल साइट खोलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 3/8/2018 को पारित निर्णय अनुपालना में बीएड पाठ्यक्रम एवं बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त रही सीटों पर विशेष स्तर की काउंसलिंग शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों, ये 100% सच हो चुका है कि ये जो थर्ड काउंसलिंग है वो जरूर होगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल जो सीटें, आपको सुबह बताया था कि 20,000 सीटें जो है वो इसमें खाली है। तो दोस्तों, इसके लिए ये थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी। आप इस पर चेक कर सकते हो, पीटीटी एमडीएसयू 2018 की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट पे भी सूचना जारी कर दी गई है, और इसके बारे में जैसे ही और कुछ सूचना आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। दोस्तों, इसकी जो ये जो सूचना जारी होगी कि इसकी जो ये थर्ड काउंसलिंग है इसकी डेट कब से स्टार्ट होगी, तो दोस्तों ये कम लगभग 5 या 6 तारीख को ये काउंसलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ये स्टार्ट होगी तो हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।